तो आज की हमारी इस रिकॉर्डिंग इन क्लास में, प्रोग्रेस. आज की हमारी इस क्लास में हम बात करेंगे इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग से। देखिए, इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग आखिर है क्या, चलिए इस पे डिस्कस करते हैं। आप कोई भी माइक्रो बनाते हो, माइक्रोज में जाते हो, सेलेक्ट करके फिर रन करते हो। बहुत होते हैं तो आप इसके लिए एक शॉर्टकट बना देते हो या फिर कोई बटन पे इसको असाइन कर देते हो। तो तीन तरीके हैं किसी माइक्रो को रन करने का। पहला, माइक्रोज में जाके रन पे क्लिक कर दें, या ऑप्शन में जाकर अगर आपने शॉर्टकट बनाया है तो शॉर्टकट यूज कर लें, या फिर किसी बटन पे आपने उसको साइन किया है तो उस बटन पे क्लिक करके रन करें। मतलब रन तभी होगा जब आप चाहेंगे, राइट? मतलब कि वो डिपेंडिंग आपकी रिक्वायरमेंट और के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है कि आप कब इसको रन करना चाहते हैं, उसी समय ये रन होगा। अब यही में हमारी अगली प्रॉब्लम आती है कि मैं चाहता हूं कि मेरा माइक्रो मेरे किसी पर्टिकुलर इवेंट पे ऑटोमेटिकली रन हो जाए। अब किस तरह के इवेंट, जैसे कि मैं किसी सीट पे क्लिक करूं, या किसी सेल पे क्लिक करूं, या डबल क्लिक करूं, या कुछ चेंज करूं, या कोई फाइल ओपन करूं, या पिवट टेबल को रिफ्रेश करूं, सीट को डिलीट करूं, फाइल को क्लोज करूं, इस तरह के इवेंट। अब जैसे यहाँ पे एक इवेंट एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ क्लोज करता हूँ तो क्लोज करते ही पॉपअप आ रहा है ना सर। अब ये पॉपअप, मान लीजिए कि ये पॉपअप लाना एक माइक्रो है, एक कब रन हुआ, जब मैंने फाइल को बिना सेव किए हुए क्लोज किया। ओके, तो सेम उसी तरह से होता है। तो इवेंट माइक्रो दो तरह के नहीं, तीन तरह के होते हैं। एक होता है ऑब्जेक्ट इवेंट, जो कि हम यूजर फॉर्म वगैरह पे इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हमारा होता है आपका सीट इवेंट और फाइल इवेंट। तो अभी हम बात करेंगे सीट इवेंट्स एंड वर्क इवेंट्स की। तो आज हम बात करेंगे सीट इवेंट्स। अब बोलेंगे सर ऑब्जेक्ट इवेंट क्यों छोड़ दिए, तो ऑब्जेक्ट इवेंट जब आपको हम पढ़ाएंगे यूजर फॉर्म, तब उस पर डिस्कस करें। अब जैसे कि मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मैं कहीं भी क्लिक करूं तो कलर हो जाए, तो मैं सीट के ऊपर जाऊंगा, व्यू कोड करूंगा। व्यू कोड करते ही आप देखिए आपके सामने इस तरह का विंडो। अब एक बार मैं इसको एक ड्यूअल विंडो कर देता हूँ ताकि आपको इफेक्ट भी साथ साथ दिखते रहे, और थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ हमने हाईलाइटेड क्या है, मेरा हाईलाइटेड है सीट वन, क्योंकि हमने सीट वन पे डबल क्लिक किया था, तो सीट वन हमारा हाईलाइटेड। अब मैं यहाँ माइक्रो, हम यहाँ पे डिक्लेयर वगैरह नहीं करेंगे क्योंकि हमें सिलेक्ट होता है, करना पड़ता है लोकेशन। तो मेरा लोकेशन है वर्कशीट और ये हमारा एक्शन है। एक्शन ऑटोमेटिकली सिलेक्शन आ गया, बट आप अपने हिसाब से अपना एक्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि कहाँ पे और क्या हो। तो फिलहाल है सिलेक्शन चीज, मतलब कि मैं कहीं भी क्लिक करूँ तो मेरा माइक्रो रन हो जाए। अब ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया है, अब मुझे इसके बीच में अपना कोड डालना है। जैसे कि मैं डाल दिया कि एक्टिव सेल डॉट एंटायर रो डॉट, नहीं इंटायर रो क्यों कर रहे हैं, इंटीरियर कर देते हैं। इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू वीवी रेड ग्रीन ब्लू श्याम मजेंटा हमने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं कहीं भी क्लिक करूंगा इस पे तो आप देख सकते हैं कि वो ऑटोमेटिकली हमारा कलर कर रहा है। तो अभी जो कलर करने वाला लाइनिंग जो मैंने लिखा है ना, इसको आप रन नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आपको माइक्रो लिस्ट में आएगा, उसको क्लिक करके रन कर दें, नहीं, ये रन होगा अपने हिसाब से। अपने हिसाब से मतलब जब ये सिलेक्शन चेंज हमारा आएगा। अब इसमें इसकी इसकी माइक्रो को समझिए, प्राइवेट सब है, मतलब कि ये प्राइवेट है, ये ग्लोबली इसको रन यूज नहीं किया जा सकता, एक पर्टिकुलर सीट पे ही यूज होगा। और कहाँ होगा, तो वर्कशीट और सिलेक्शन चेंज। तो वर्कशीट हो जाता है हमारा लोकेशन, सिलेक्शन चेंज हमारा हो जाता है इवेंट, किस पे होगा। अब यहाँ पे आता है वायबल टारगेट एज ए रेंज। अब इसे यहाँ पे एक्टिव सेल डॉट डाला, इसके जगह पे हम टारगेट भी हो सकते हैं। टारगेट मतलब जहां पे मेरा कर्सर क्लिक होगा, दैट इज टारगेट। तो मैं यहाँ टारगेट भी देता हूँ क्योंकि टारगेट यहाँ रेंज है, तो टारगेट डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू वीवी रेड कर दिया तो भी आपका वर्क करेगा। तो सर सेम ये चीज सेकंड सेकंड शीट पे शीट भी पे हो भी जाएगा रेंज। सेम? हाँ,
सेकेंड शीट पे आपको करना पड़ेगा, क्योंकि एक कोड एक हमने क्या किया हुआ वर्कशीट किसके ऊपर, सीट वन के ऊपर, राइट। फिर सीट अच्छा टू पब्लिकेबल नहीं होगा, सीट टू पब्लिकेबल करना ओके है तो सेम प्रोग्रामिंग आपको सीट टू पे करनी पड़ेगी, या हर सीट पे करना चाहते हैं तो वर्कबुक पे जाके यहाँ पे आपके सामने सीट सिलेक्ट चेंज का ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सीट बिफोर यहाँ पे सीट सिलेक्शन चेंज। अब यहाँ पे अगर मैंने कोड डाल दिया, एक बारी कोड डाल दी, तो अब हर सीट के ऊपर वर्क करेगा, लेकिन सिर्फ इसी फाइल, किसी और फाइल में नहीं, ओके ठीक है। ओके हाँ सर तो अलग अलग है, मतलब कि अगर किसी वर्कबुक के ऊपर जाते हैं तो यह इस सीट का इफेक्ट आता है, जिस सीट को आपने सिलेक्ट कर रखा है यहाँ पे दिख रहा होगा उसी पे वर्क करेगा, और जिस वर्कबुक आपने कर लिया तो ये उस पर्टिकुलर फाइल, जो फाइल में आप कोडिंग कर रहे हैं और जो आपने यहाँ पे चेक अपना इवेंट सेलेक्ट किया, ठीक है। हाँ सर तो इवेंट मैनेजर समझ में आ गया। अब इवेंट में यही नहीं, अगर हाँ मान लीजिए कि आप इंसर्ट में जाके इसे मैंने कोई बटन ले लिया ना सर, तो अब यहाँ वर्कशीट पे आप देखेंगे, यहाँ एक मिनट, इसको सीट थ्री पे, हाँ सीट थ्री पे अगर मैं जाता हूँ तो सीट थ्री पे दिख रहा है कमांड बटन वन। अब मैं कुछ करूंगा वो कमांड बटन वन पे वर्क करेगा, इसके बारे में हम आगे बताएंगे, फिलहाल इसको स्किप कीजिए। ऑब्जेक्ट मैंने बताया ना आपको, ऑब्जेक्ट इवेंट इसी को कहा जाता है कि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहा है, मतलब कि एक बटन पे वर्क करेगा, समझ गए। हाँ सर अब क्या क्या होता है, चलिए इसके बारे में पहले सीट इवेंट के इवेंट के बारे में समझते हैं, एक्शन के बारे में। जैसे एक्टिवेट, अगर सीट एक्टिवेट करते हैं मतलब सीट के ऊपर जाते हैं, फिर आता है बिफोर डिलीट, सीट को डिलीट करने से पहले क्या करना चाहते हैं उसका कोड डालिए, बिफोर डबल क्लिक, किसी सेल पे डबल क्लिक करना चाहते हैं उसका होता है बिफोर राइट क्लिक, किसी सीट पे अगर आप राइट क्लिक करना चाहते हैं उसके लिए होता है। फिर आता है कैलकुलेट, मतलब कि आपने कुछ कुछ चेंज किया तो इस सीट के अंदर की जो फॉर्मूला है अगर वो अपना रिजल्ट चेंज करती है तो कैलकुलेट का एक्शन वर्क करेगा, समझे। चेंज देखिए, अच्छा अब कैलकुलेट चेंज में दोनों में सेम होता है, कैल चेंज का मतलब हो कि मैं कोई भी नंबर किसी भी तरह का अगर डेटा एंट्री करता हूँ सीट में तो मेरा माइक्रो रन करेगा, लेकिन कैलकुलेट कब होता है कि अगर मैंने कोई डेटा एंट्री की उससे अगर कोई फॉर्मूला अपने आप का रिजल्ट चेंज करता है तो रिजल्ट चेंज करने के लिए वो कैलकुलेट करेगा ना पहले, तो रन करेगा। यस कहता है डीएक्टिवेट, एक सीट से दूसरे सीट पे जा रहे हैं, फॉलो हाइपरलिंक, किसी सीट पे आप क्लिक कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है पिवट टेबल की वैल्यू चेंज होती है, या पिवट टेबल को कोई आप एलोकेट चेंज करते हैं उससे पहले उसके बाद में, या पिवट टेबल को डिलीट करते हैं, या पिवट टेबल की डेटा ऑटोमेटिकली चेंज होती है, अपडेट होती है, ये पिवट से रिलेटेड चीजें हैं। फिर आता है सिलेक्शन चेंज, और लास्ट में आता है आपका टेबल अपडेट, टेबल अपडेट। अब इस सब पे एग्जाम्पल मैं दूंगा, लेकिन मैं क्योंकि तो इसके अंदर लगाई गई प्रोग्रामिंग वही प्रोग्रामिंग है जो ना आपने आप तक सीखे, इसलिए कोई एक्स्ट्रा प्रोग्रामिंग नहीं है। तो इवेंट माइक्रो बस इतना है कि आप जो है अपनी माइक्रो को कब रन करना चाहते हैं इसकी डिसाइड करो, बात बाकी आप क्या माइक्रो यूज करना है और डिपेंड करती है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो आपको क्या करना है, आगे कुछ करने से पहले जो सिलेक्शन चेंज पे दी गई जो सारी जो चीजें हैं उसको आप क्या करें, एक एक करके ट्राई ट्राई करना करें, फिर मैं आपको अपना एग्जाम्पल बताऊं।